आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। चाहे कंप्यूटर में गेम्स खेलना हो या फिर किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करना, अगर सिस्टम बीच में ही हैंग हो जाए तो बहुत इरिटेटिंग सा लगता है, जिसके बीच लगता है कि कोई सबसे फास्ट और स्मूथ कंप्यूटर होना चाहिए। स्पीड की दुनिया में ऐसी ही एक इन्वेंशन मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा या एक्स फेसबुक दुनिया में लेकर आ रही है। एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जिसकी स्पीड एक आईफोन के मुकाबले लाख गुना ज़्यादा तेज़ होगी। लेकिन इतने तेज सुपर कंप्यूटर के फीचर्स क्या होंगे, इसके आने से दुनिया में क्या बदल जाएगा और सुपर कंप्यूटर एक्चुअल में क्या होता है, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। सुपर कंप्यूटर में आने वाला वर्ड सुपर इस बात को क्लियर कर देता है कि ये नॉर्मल कंप्यूटर से सुपर तेज़ होते हैं। सुपर कंप्यूटर एक पर्टिकुलर टाइम पर मल्टीपल फंक्शंस कर सकता है, इसी को पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 12 अप्रैल 1964 में पूरा हुआ था। इसका नाम था IBM स्ट्रेच। इसको बनाने के लिए 7 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स लगे थे। अब वहीं अगर सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड की बात करें तो इनकी स्पीड फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मेजर होती है, यानी कि एक सेकंड में कोई डिवाइस कितने ऑपरेशन कर सकता है। दुनिया के पहले सुपर कंप्यूटर की स्पीड 2.5 मेगा फ्लॉप्स थी, लेकिन आज दुनिया टेक्नोलॉजी में जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है उसमें ये स्पीड कुछ भी नहीं। इसी बीच मेटा या एक्स फेसबुक CEO मार्क जुकरबर्ग दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बनाने में लगे हुए हैं, जिसका नाम है रिसर्च सुपर क्लस्टर या शॉर्ट फॉर्म में RSC। प्रेजेंट टाइम में दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जापान का फुगाकू है, जिसकी स्पीड 442 पेटाफ्लॉप्स है। जब एक के आगे 15 जीरोज़ लगते हैं तो उसे एक क्वाड्रिलियन कहते हैं। वही जीरोज जब 18 हो जाते हैं तो उसे क्विंटिलियन कहते हैं। फुगाकू एक सेकंड में 442 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशन कर सकता है। वहीं मेटा के अकॉर्डिंग RSC की स्पीड 5 एक्साफ्लॉप्स यानी कि क्विंटिलियंस में भी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी स्पीड की हमें क्या ज़रूरत, मतलब क्यों बनाया जा रहा है ये सुपर क्लस्टर। इसी सवाल का जवाब देते हुए हमारे टेक एक्सपर्ट मुंजीर बताते हैं। बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स का काम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स टास्क को एग्जीक्यूट करना, जो कि नॉर्मल कंप्यूटर्स नहीं कर पाते हैं। तो सुपर कंप्यूटर्स में जो टास्क परफॉर्म होते हैं वो, फॉर एग्जांपल, जैसे मेटा ने एक एग्जांपल दिया है, यानी फेसबुक, उन्होंने कहा है कि जब हम सुपर कंप्यूटर लाएंगे तो वो रियल टाइम ट्रांसलेट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 लोग आपस में बातें कर रहे हैं और अलग अलग लोग मिल अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो सारे लोगों का रियल टाइम ट्रांसलेशन करना अभी इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी, किसी भी मशीन के लिए या फिर किसी कंप्यूटर के लिए, किसी सॉफ्टवेयर के लिए। वो किसी भी कंप्यूटर या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर से अभी नहीं किया जा सकता कि आप एक साथ आप इतने लोगों, एक ग्रुप में लोग हैं और सब अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आप सबका रियल टाइम ट्रांसलेशन करो। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि उस तरीके का कॉम्प्लेक्स टास्क जो होगा वो सुपर कंप्यूटर करेगा। और जो मेटा का जो प्लान है वो बेसिकली AI फोकस्ड इनका सुपर कंप्यूटर होगा। तो इन्होंने कहा है कि फास्टेस्ट AI फोकस्ड सुपर कंप्यूटर लेकर के आएंगे, जो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च के लिए किया जाएगा। 16 TB पर सेकेंड के हिसाब से डेटा की को ट्रेन किया जा सकेगा, AI और मशीन लर्निंग दोनों चीजों को एक साथ मिला करके। और अभी मतलब बिल्कुल, चूंकि ये अनाउंसमेंट काफी पहले ही की जा चुकी थी और उन्होंने कहा था कि 2022 के मिड तक आ जाएगा, तो अभी फिलहाल कुछ क्लैरिटी नहीं है कि कब आएगा और किस तरीके से इसका यूज किया जाएगा। एक फेसबुक या फिर जो हम एंड यूजर हैं, जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनको किस तरीके से इसका बेनिफिट होगा या फिर क्या फीचर्स मिल पाएंगे, ये तो कुछ समय के बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो ये है वजह मार्क जुकरबर्ग का वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बनाने के पीछे, मेटावर्स, इसी के लिए बना रहे हैं वो। मेटावर्स की बात करें तो मेटा एक ऐसी दुनिया बनाने जा रहा है जिसमें हम एक वर्चुअल दुनिया में रह सकते हैं,
एक 3D मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस जैसा हमने शायद कभी पहले महसूस नहीं किया या देखा भी नहीं है। मेटा 2013 से ही सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग पर फोकस कर रहा है। आसान भाषा में कहें तो किसी भी मशीन को वर्क कराने के लिए ह्यूमन एक्शंस की ज़रूरत होती है, जिससे हम एक मशीन से काम करवा सकते हैं। जैसे कि अब फ़ैन है, फ़ैन को ऑन करने के लिए बटन दबाना पड़ता है, और 3 Idiots का तो डायलॉग भी है कि पैंट की जिप ये एक मशीन है सर। तो वैसे ही हर मशीन को काम करवाने के लिए हमें एक ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत होती है। लेकिन मेटा एक ऐसी AI मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है जो खुद ही चीज़ों को समझ पाए और एक्शन भी ले ले। साथ ही ये AI सुपर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर्स को ट्रेन कर सकते हैं। ऐसी एडवांस चीज़ें अक्सर रेवोल्यूशन लेकर आती हैं। तो क्या ये सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम सुपर क्लस्टर है, ये भी एक रेवोल्यूशन लेकर आएगा? और अगर हाँ तो क्या, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? इसी का जवाब देते हुए मुंजीर बताते हैं, मैं मतलब नहीं मानता। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि रेवोल्यूशन जैसा कुछ क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि एग्जांपल आप ले लीजिए, सुपर कंप्यूटर्स, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स लगाए गए थे कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, या फिर कोरोना वायरस को कैसे टैकल किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए हमने कई सारी स्टोरीज बनाई थी कि जापान का ही सुपर कंप्यूटर को उसके लिए लगाया गया था, बट रिजल्ट क्या आया किसी को पता नहीं है। हम कोरोना वायरस आए हुए लगभग 1-2 साल हो गए हैं, वैक्सीन सब कुछ तैयार हो गई, बट उसका रिजल्ट क्या हुआ हमें नहीं पता है, हम अनअवेयर हैं उस चीज से। हो सकता है कि कुछ फायदा मिला होगा वैक्सीन बनाने में, कह सकते हैं, बट ऐसा कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग चीज सुपर कंप्यूटर ने नहीं कर दिया कोरोना वायरस को लेकर के या फिर वैक्सीन को लेकर के। तो वही एक एग्जांपल है, रेवोल्यूशन जैसा एक सुपर कंप्यूटर मेटा लेकर के आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक चीज होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो फीचर्स दिए जाते हैं फेसबुक में या फिर इंस्टा में या व्हाट्सएप में या फिर फेसबुक की जितनी सारी सर्विसेज हैं, तो उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और चीजें जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट और टू द पॉइंट होंगी। अभी कई सारे फेसबुक के फीचर्स हैं जो AI के बेस्ड हैं, वो फ्लॉड हैं, वो बेसिकली फ्लॉप हैं, लेकर के आता है बंद कर देता है। लेकिन अब अगर ये इनको एक ब्रेक थ्रू अगर मिल जाता है तो फिर काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो जनाब, मेटा के अकॉर्डिंग ये सुपर कंप्यूटर mid-2022 तक आना था, लेकिन फिलहाल लगता है कि इसमें थोड़ा और विलंब होगा। सुपर कंप्यूटर्स की दुनिया में नंबर वन होने वाला ये सुपर कंप्यूटर हमारे लिए एक बेहतर कल लेकर आएगा या नहीं, इस सवाल का जवाब वक्त पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन हम आपके लिए हर दिन एक बेहतरीन ज्ञान ध्यान लेकर आएंगे, इसका हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। साथ ही अगर कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हैं तो हमें मेल करें। हमारी मेल ID है radio@aajtak.com। मेरा नाम है आर्यमन गौतम, सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।